अजी सुनती हो, बाजू वाले छगन भाई का फोन आया था साड़ी की दुकान से। कंप्लेन कर रहे थे कि आपकी पत्नी रोज हमारी दुकान पर आती है, सारी चीजें देखती है, प्राइस पूछती है, लेती कुछ भी नहीं है, दो तीन घंटे हमारे बर्बाद कर देती है। तो तुम ऐसा करती क्यों हो, कोई चीज लाती क्यों नहीं हो? मैं तो हर रोज लेकर आती हूँ, अब उनको पता ना चले उसमें मैं क्या करूँ। हाँ जी, हाँ जी मामा जी, आप आ जाओ, हम घर पे ही हैं। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप आ जाओ आ जाओ। ठीक है मामा जी, ओके। क्या क्या है ये, आप मना नहीं कर सकते थे? आ जाओ मामा जी, आपको पता नहीं हम घूमने जा रहे हैं, और मामा जी परसों तो कर गए हैं यार, रोज रोज सही लगता है ऐसे। तुम खुद ही मना कर दो, तुम्हारे मामा जी हैं। हाँ तो क्या हो गया, आने दो मामा जी को, बेचारा उनको कोई काम होगा, वेट कर लेते, कोई बात नहीं हम घूमने बाद में चल जाएंगे, थोड़ी देर बाद चल जाएंगे, है ना। और भाई कैसी चल रही है तुम्हारी इंग्लिश क्लासेस? हाँ अच्छी चल रही है। वाह वाह, लैपटॉप। क्या ढूंढ रही हो? एनी ढूंढ रही हूँ। एनी? हाँ इधर लिखा हुआ है ना, प्रेस एनी की टू स्टार्ट। बोल औरतों का मेकअप जिंदाबाद, औरतों का मेकअप जिंदाबाद। बोल औरतों की शॉपिंग जिंदाबाद, औरतों की शॉपिंग जिंदाबाद। बोल औरतों की हर बात जिंदाबाद, औरत की हर बात जिंदाबाद। अब बोल आदमियों की पड़ोसन को ताका झाकी मुर्दाबाद। नहीं, तुम्हारा मेकअप जिंदाबाद है, हमें कोई एतराज नहीं। तुम्हारी शॉपिंग जिंदाबाद है, हमें कोई एतराज नहीं। तुम्हारी हर बात जिंदाबाद है, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हमारा पड़ोसन को ताका झाकी करना जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पड़ोसन को ताका झाकी जिंदाबाद, पड़ोसन को ताका झाकी जिंदाबाद। अच्छा सोनू, हाँ एक बात बताओ। हाँ ये कहाँ का नियम है कि रोज सिर्फ मैं ही खाना बनाऊं? बेबी तो पूरी दुनिया का नियम है, दुनिया की सारी जेलों में कैदियों का खाना सरकार ही देती है।